सब्सक्राइब कीजिए प्रथमेश ज्योतिष चैनल को ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ होता है उनका मूलांक 5 होता है। मूलांक 5 का स्वामी बुध होता है। बुध ग्रह ज्ञान और बुद्धि का कारक है। बुध के प्रभाव के कारण मूलांक 5 वाले साहसी तथा कर्मशील होते हैं। ये चुनौतियों को चैलेंज के रूप में स्वीकार करते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 5 के स्वभाव, व्यक्तित्व और भी कई खास बातें जानते हैं, तो ये सब जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मूलांक 5 वाले किसी भी चीज को लेकर न ज्यादा देर तक खुश रह सकते हैं और न ही दुखी। ये परिस्थितियों के अनुरूप खुद को ढाल लेते हैं। इनमें दूसरों को आकर्षित करने का गुण होता है। ये दूसरों से मित्रता करके अपना काम निकालना जानते हैं। ये बुद्धिमान और चतुर होते हैं। इन्हें कई धार्मिक ग्रंथों और गुप्त किताबों का ज्ञान होता है। अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 5 वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। ये नई नई चीज़ों से लाभ कमाते हैं और अपनी बुद्धि के बल पर पैसा कमाते हैं। मूलांक 5 वालों के भाई बहनों के साथ संबंध सामान्य रहते हैं। इनकी मूलांक 1, 3, 4, 5, 7 और 9 वालों से अच्छी बनती है। ये मिलनसार होते हैं। इनके प्रेम संबंध स्थायी नहीं रहते। कुछ मामलों में इनके 2 विवाह की भी संभावना बनती है। आम तौर पर इनका गृहस्थ जीवन सुखी रहता है। मूलांक 5 वाले व्यापार में अपार सफलता पाते हैं। ये अच्छे मैनेजर, वकील, जज, जिलाधिकारी, डॉक्टर, पत्रकार या ज्योतिषी हो सकते हैं। इन्हें संगीत और अर्थशास्त्र का भी ज्ञान होता है। मूलांक 5 के लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति झगड़ा करना पसंद नहीं करते। इस मूलांक वाले व्यक्ति विलक्षण प्रतिभा से युक्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति बहुत तार्किक होते हैं। इस मूलांक वाले व्यक्ति निर्णय लेने में निपुण होते हैं। ऐसे व्यक्ति परिश्रम करने से बचते हैं। आप बहुत ही आसानी से धन कमाने की कोशिश करते हैं। आप हमेशा धनोपार्जन के लिए नए रास्ते और नए तरीके खोजने की कोशिश करते हैं। आप दोहरी नीति से धनी व्यक्ति होंगे। कई बार तो आप ये करें ना करें यही बात सोचते रहते हैं। आप अपने आप को परिस्थिति के अनुरूप ढाल लेते हैं। मूलांक 5 वाले व्यक्ति किसी विषय को लेकर ज़्यादा गंभीर नहीं होते। आप ना तो ज़्यादा देर तक खुश रह सकते हैं और ना ही ज़्यादा देर तक दुखी रह सकते हैं। आपका पारिवारिक जीवन सुखमय व्यतीत होता है। आपको अपने भाई बहनों और परिवार के साथ रिश्ता सामान्य ही बना रहता है। आपके मित्र बहुत जल्दी बनते हैं और आप उन्हें बुलाने में भी देर नहीं करते। वैसे आप भूलना नहीं चाहते हैं। मित्रों से आपको उतना लाभ नहीं मिलता जितना अन्य को मिलता है। आपका वैवाहिक जीवन वैसे तो ठीक होगा। अधिक मिलनसार स्वभाव के होने के कारण महिला मित्र भी आपकी बहुत होंगी। लेकिन मूलांक 5 वालों के प्रेम संबंध स्थायी नहीं रहते। आपको 2 विवाह होने की भी संभावना रहती है। संतान को लेकर कुछ चिंताएं बनी रहती हैं। ससुराल पक्ष से आपका रिश्ता सामान्य ही रहता है। आपके शरीर में पीड़ा तथा तनाव हो सकता है। आप अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। शरीर में बदहजमी, सिर दर्द, नाक या आँखों में तकलीफ हो सकती है। आप पढ़ाई करेंगे। कई बार ये भी देखा गया है कि मूलांक 5 वाले पूरी उम्र कुछ ना कुछ पढ़ाई करते ही रहते हैं। अगर कोई विपरीत परिस्थितियां ना हो तो आप अपनी पढ़ाई को पूरा ही कर लेते हैं। आपकी रुचि वाणिज्य में होती है, अर्थात आप BCom, BMcom इत्यादि करें तो अच्छा रहता है। आप मैनेजमेंट की पढ़ाई भी कर सकते हैं। आप कई भाषाओं के जानकार होते हैं। यदि आपका शिक्षा कम भी रह जाए तो आप समाज तथा परिवार में बुद्धिमानी कहलाते हैं। धार्मिक ग्रंथों तथा गुप्त विद्याओं में भी अध्ययन करने में आपकी रुचि रहती है। आप ज्योतिषी भी हो सकते हैं। आप शिक्षा तथा व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़कर अच्छा काम करते हैं और एक क्षेत्र में एक नए मुकाम हासिल करते हैं। आप अपने लाभ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और नए नए परिवर्तन तथा आविष्कारों से अपने नाम को रोशन करते रहते हैं। आप हर काम से पहले कई बार सोचते हैं। आप अपने काम में नई नवीनता लाने के लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। आप नौकरी और व्यवसाय दोनों से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आप ब्रोकर, सेल्समैन, क्लर्क और अध्यापक का कार्य कर सकते हैं। आपके जीवन का मूल रहस्य आपके लक्ष्य को पाना है। मूलांक 5 वाले व्यापार
और उद्योग धंधों में सफलता पाते हैं। आप अच्छे मैनेजर, वकील, जज, लेखाधिकारी, शिक्षाविद, डॉक्टर, पत्रकार, पब्लिक रिलेशन अधिकारी हो सकते हैं। इन्हें अर्थशास्त्र और संगीत का भी अच्छा ज्ञान होता है। ज्योतिष के क्षेत्र में आप अच्छा नाम कमा सकते हैं। आप निर्णय तुरंत लेते हैं और कार्य को बड़ी तेजी के साथ पूर्ण करते हैं। आपको अपना व्यवसाय करना ज़्यादा अच्छा लगता है। कई बार तो ये देखा गया है कि ऐसे जातक नौकरी के साथ कोई ना कोई व्यवसाय भी करता है। आप इसका मुख्य कारण यह होता है कि नौकरी में मिलने वाली निश्चित आय से आप संतुष्ट नहीं होते। व्यवसाय आपके स्वभाव में होता है। बात करें आपकी वीकनेस की, तो आप बहुत सोचते हैं जिसके कारण मानसिक उलझन में फंसे रहते हैं। आपके स्वभाव में दोहरापन रहता है, यह उचित नहीं है। इस कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। आपका स्वभाव तथा सोच सबसे अलग है। ये आपके लिए तो ठीक है, लेकिन सबके लिए ठीक नहीं है। आपको बुध ग्रह की उपासना करनी चाहिए। माता सरस्वती की उपासना आपकी सभी समस्याओं का हल है। भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए आपको। इससे आपको आर्थिक समृद्धि, मान सम्मान तथा यश की प्राप्ति होती है। किसी कार्य को हल्के में लेना आपकी सबसे बड़ी कमजोरी है। दूसरों के स्वभाव को समझने की कोशिश करें। आपके लिए शुभ दिशा उत्तर होती है। आपके लिए शुभ धातु चांदी होती है। आपके लिए मूलांक 1, 3, 4, 5, 7 वाले जातक अच्छे मित्र हो सकते हैं। आपके लिए शुभ रंग हरा, सफ़ेद और नीला है। यदि आप अपने ऑफिस तथा शयन कक्ष के पर्दे, बेडशीट और दीवारों के रंग में इन रंगों का प्रयोग करें तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। आपका शुभ महीना मई, जनवरी होते हैं। शुभ दिन गुरुवार, बुधवार और शुक्रवार होते हैं। शनिवार भी आपके लिए शुभ होता है। आपका शुभ रंग हरा व सफ़ेद रंग होता है। शुभ तारीख होती हैं 5, 14 तथा 23 तारीख आपके लिए शुभ होती है। मूलांक 5 वाले लोग बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। इस मूलांक के व्यक्ति साहसी, कर्मशील होते हैं। ये चुनौतियों को पूरे मन से स्वीकार करते हैं। इन्हें घूमना फिरना बहुत पसंद होता है। साथ ही इन्हें कलाकार किस्म का भी माना जाता है। इन लोगों में कभी आत्मविश्वास की कमी नहीं होती। इन लोगों का बौद्धिक स्तर काफ़ी ऊँचा होता है, जिस कारण लोगों में ये अपनी अलग पहचान बनाते हैं। इनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त होता है। इस मूलांक के व्यक्ति बोलचाल में बेहद सहज और आकर्षक होते हैं। गजब का कम्युनिकेशन स्किल होता है इनका। ये जल्दी लोगों से घुल मिल जाते हैं। इनका स्वभाव बेहद मिलनसार होता है, जिस कारण इन लोगों से दोस्ती करने में अधिक वक्त नहीं लगता। इस मूलांक के लोग हमेशा नई चीज़ों को जानना चाहते हैं। जिज्ञासु स्वभाव के ये हर महफिल की जान होते हैं। इन्हें शांत प्रवृत्ति का माना जाता है, जो जब तक हो सके लड़ाई झगड़ों से दूर ही रहते हैं। मूलांक 5 वालों का बौद्धिक स्तर तो बहुत ऊंचा होता ही है। ये पैसों के मामले में भी बेहद चतुर चालाक माने जाते हैं। इनका मनी मैनेजमेंट इतना बेहतरीन होता है कि शायद ही कभी इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ता हो। हालांकि इनका टेम्परमेंट बहुत हाई होता है और किसी के मुँह पर भी कुछ कहने में संकोच नहीं करते। मूलांक 5 वाले स्त्री पुरुष पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में उच्च कोटि के होते हैं। अपने समकक्ष लोगों से इनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा होता है। अच्छे शिक्षाविद, फिलोसफर और होते हैं मूलांक 5 वाले व्यक्ति। बोलचाल में बहुत कुशल होने के कारण ये चर्चा में रहते हैं। इनका पब्लिक रिलेशनशिप भी बहुत अच्छा होता है। इससे सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये पैसों को बहुत अच्छे से संभालना जानते हैं। बैंकिंग या निवेश के क्षेत्र में तो इन्हें अच्छी सफलता प्राप्त होती है। मूलांक 5 वाले जातकों की सबसे बड़ी कमजोरी होती है गुस्सेल स्वभाव। ये जब तक शांत रहते हैं तब तक तो ये बहुत अच्छे रहते हैं, लेकिन जैसे ही इनका पारा चढ़ा तो ये किसी की नहीं सुनते। यहाँ तक कि किसी को कुछ बोलने भी नहीं देते। गुस्से में इनकी जुबान खराब हो जाती है और इसके अनुरूप अगर कोई काम ना हो तो ये भड़क जाते हैं। अपने बुरे व्यवहार के कारण एक समय के बाद लोग इनसे चिढ़ने लग जाते हैं। इनको क्या करना चाहिए सफलता के लिए? तो बुध की मजबूती के लिए अपने महत्वपूर्ण निर्णय बुधवार के दिन लें। आपके लिए ये लकी दिन होता है। बुधवार को गणेश जी के मंदिर जाएं और हरे रंग के कपड़े बुधवार के दिन पहनना शुभ होता है।
पूनम पास वालों की पर्सनैलिटी बहुत एट्रैक्टिव होती है। ये बोलने में माहिर होते हैं, हर काम को बहुत जल्दी से करते हैं। इन लोगों को अव्यवस्थित चीज़ें पसंद नहीं होती, हर काम सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं। मूलम पाँच वाले नॉलेज को लेकर बहुत एक्टिव होते हैं, हर चीज़ को बहुत जल्दी ऑब्जर्व कर लेते हैं। इनको घूमना फिरना और दूसरों से इंटरेक्ट करना बहुत पसंद होता है मूलम पाँच वाले के करियर बहुत अच्छा रहता है। ये मजबूत दिमाग की वजह से और अच्छी सोच की वजह से बिजनेस में अच्छी तरह से काम करते हैं। इनका ध्यान हमेशा किसी न किसी प्लानिंग में लगा रहता है, जिस वजह से निरंतर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। इनको मैथ, साइंस, फिजिक्स और बिजनेस स्टडी में खासा लगाव होता है, जिस वजह से ये लाइफ में बहुत तरक्की भी करते हैं। मूलम पाँच वाले अपने दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी इनकी मेमोरी कमज़ोर हो जाती है। ये लोग कई बार चीज़ों को भूलने लगते हैं। इसके अलावा कम नींद, कमज़ोर पाचन और आंखों से जुड़ी समस्या भी इन्हें सताती है। बात रिश्तों की करें तो मूलम पाँच वाले सभी के साथ अच्छे रिश्ते निभाते हैं। अपने हरफनमौला स्वभाव और मीठी बोली की वजह से सभी को प्यार और सम्मान देते हैं। कभी कभी ज़्यादा सोचने की वजह से सही फैसला नहीं ले पाते हैं, बहुत बार लोग मानसिक उलझन में फंस जाते हैं। इसके अलावा मूलम पाँच वाले अक्सर जिद्दी भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनको बहुत जगहों पर नुकसान उठाना पड़ता है। इनको चाहिए कि हर काम को शांत मन से करें, जितनी ज़रूरत हो उतना ही दिमाग का इस्तेमाल करें। ओवर थिंकिंग आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आपको बुधवार वाले दिन किसी ज़रूरतमंद की सहायता करनी चाहिए और जानवरों को साबुत मूंग खिलानी चाहिए। आशा है वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तब लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।